हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है होली का दिन, तो होलिका दहन की रात है ये, और यहाँ पर हो रही है उसकी पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले चौक पूर लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी मेरी चौक पूर रही हैं, और ये हाथों से आटे के गेहूँ का जो आटा होता है उससे चौक पूरी जाती है, शुभ माना जाता है। तो ये चौक पूर जाएगी और फिर होगा हमारे यहाँ होलिका दहन। होलिका दहन हमारे यहाँ बाहर जो मोहल्ले में जो होली जलती है उसकी अग्नि लेके आया जाता है घर पे, कि घर पे जो होली बनाई जाती है उसमें अग्नि लगाई जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ घर के जो जेंट्स होते हैं वही परिक्रमा करते हैं, लेडीज नहीं करती हैं। और ये रूल्स है या क्या है आई डोंट नो, बट घर की लेडीज परिक्रमा नहीं करती हैं, वही करते हैं जेंट्स लोग। तो बस कुछ ऐसे ही मनाई जाती है होली। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शूट कर लिया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये रात 8:30 10 बजे का टाइम है, मुहूर्त 12 बजे का निकला था, बट क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ अग्नि जल्दी लगा दी थी, इसलिए हमारे यहाँ भी अग्नि जल्दी आ गई थी। तो ये है होलिका, और जो ये घर में बनाई जाती है गोबर के उपलों से। और ये देखिए है, उसमें लगा है एक झंडा रेड कलर का। तो बस अब इसमें लगाएंगे अग्नि। और छोटी छोटी रोटियां भी बनाई जाती हैं आटे की, छोटी छोटी सी पूजा के लिए, और भी सेकी जाती हैं। हम लोग तो अब छोटी छोटी बनाने लगे हैं, लेकिन क्या होता है, जब पहले क्या होता था, पहले बड़ी बड़ी रोटियां बन जाती थी और सब लोग इसी इसी अग्नि जो ये जलती है इसी पे रोटी सेकी जाती थी और इसी को खाया जाता था। अब क्या है कि ये जो छोटी छोटी रोटियां हैं इनको हम ऐसे पूजा में लगाएंगे, एक पूजा होती है हमारे यहाँ उसमें लगाई जाएगी। और ये अग्नि जो आ गई है उसको हमारे जेठ जी है लेके आए हैं और उसमें डाल दिए, तो अग्नि जल गई है। और अब सारे जेंट्स हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा लगाने के बाद जो रोटी मम्मी ने जो बना के रखी है वो सेकेंगी। और हमारा हम लोग क्या करते हैं, जो पूजा हो जाती है उसके बाद अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं, छोटे बड़ों का और सम्मान करते हैं। मैं अपने से बड़ों का करूंगी, उससे जो छोटे हैं वो मेरा सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही होती है हमारे यहाँ परिवार में पूजा और सम्मान, ये सब कुछ। और फिर उसके बाद रोटियां सेकी जाएंगी, छोटी छोटी चीजें बनाई है मम्मी ने, और फिर एक लोटा पानी भरकर इसी अग्नि में रखा जाएगा। जो ये पानी होता है जैसे ये गुनगुना हो जाएगा, वैसे ही थोड़ा थोड़ा सभी लोग पानी लेकर अपना फेस धुलेंगे, अपना हाथ धुलेंगे। कहा जाता है कि जिस पानी से जब हम मुंह धुलते हैं, माथा धुलते हैं, तो सर का दर्द गायब हो जाता है और बीमारियां थोड़ी सी दूर हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा हम लोग रीति निभाते हैं, करते हैं। और इसमें हम लोग भूनते हैं गेहूं की बालियां। तो गेहूं की बालियां होती हैं, कुछ लोग गेहूं की बालियां भून कर उन पर चढ़ा देते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन अगर आपका मन है इनको खाने का तो आप भून के इनको खा भी सकते हैं। तो यही सारे रीति रिवाज हैं जो हमारे यहाँ होते हैं। मैंने सोचा सब कुछ आज आपको आपके साथ शेयर कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए। तो बस ये है रात का समय, तो मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे, होली सेलिब्रेशन का दिन, जिस दिन हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, रंग खेलते हैं, उस वही दिन है ये। और मम्मी बना रही है आलू की कचौड़ियाँ और बेसन भर की कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सुबह का नाश्ता सभी के लिए। तो हमारे यहाँ बनी है गुजिया, जो गुजिया बनी है वो है थोड़ी सी तिली की गुजिया है और थोड़ी सी खोए की गुजिया है। तो हम मम्मी से पूछ पूछ के सब चीज़ें निकाल रहे हैं। तो ये जो गुजिया है, ये जो है वो तिली की गुजिया है, जो मम्मी ने मेरे आने से पहले ही बना के रख ली थी। काफ़ी कुछ सामान उन्होंने मेरे आने से पहले ही कंप्लीट करके रख लिया था। सिर्फ मावा की गुजिया रह गई थी जो आके मैंने हम लोगों ने मिलके बनाई है बस। तो ये है तिली की गुजिया। जो ये तिली की गुजिया है वो हमारे ससुराल वालों को बहुत ही पसंद है, खासकर मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है ये तिली की गुजिया। और ये जो गुजिया है ये है मावा की, जो मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए वो वीडियो, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको।
और यहाँ मम्मी बना रही है कचौड़ियाँ, जो आलू की जो कचौड़ियाँ हैं उसका मसाला मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती है। मुझे उनके हाथ का बना हुआ आलू का जो मसाला होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि मम्मी जो नमक घर पे बना कर जो पीसती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डालती हैं, जिसका टेस्ट जो सादा नमक होता है और मिर्च डालने से बढ़ता है, उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो वो बहुत सारे खड़े मसाले वगैरह डालकर जो नमक पीस के बनाती हैं। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई हैं, थोड़ी सी साथ देती हैं, मेरा हेल्प कराती हैं। तो दीदी मैं पेठा है वो कट करने जा रही हैं, और यहाँ मैं मम्मी से पूछ पूछ के सब चीज़ें लगाती जा रही हूँ, नाश्ते में क्या क्या लगना है। तो कभी कचौड़ियाँ तो कभी मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा के सीखने लगती हूँ। तो ये नमकीन है, ये घर की बनी हुई नमकीन है जो मम्मी ने घर पे ही बनाई है। और मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि मम्मी आई थी जब घर, तो ये नमकीन लाई थी, ये वही नमकीन है, वैसे ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर मम्मी थोड़ा सा काम से चली गई है, तो मैं कचौड़ियों को ज़रा देख लेती हूँ और पलट लेती हूँ, और बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ लगती है, खस्ता कचौड़ी। और जो ये इसकी खास बात ये है इन कचौड़ियों की, कि इन कचौड़ियों में मैदा कम यूज किया गया है, आटा और मैदा मिक्स करके इसका डो लगाया गया है, और वो बेसन और मैदे की पपड़ियाँ कहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, बेसन को आप मार लीजिएगा, नमक वगैरह ज्वाइन वगैरह डालकर मैदा को भी मार लीजिएगा, तो आप अलग अलग टाइप्स की बिल्कुल पतली पापड़ की जैसे बेल लीजिएगा, उनको सेक लीजिएगा, बड़ी कुरकुरी कुरकुरी सी बनती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मम्मी आ गई है कचौड़ियों पे ध्यान देने के लिए, तो यहाँ पे मैंने नाश्ता सारा जो कंप्लीट करके लगा लिया है, अब लेके चलते हैं हॉल में लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले उनको सर्व करते हैं, उनको खिलाते हैं, उसके बाद बड़ों को खिलाते हैं, फिर हम लोग बैठ के खाएंगे।
खप सब कुछ खाने पीने के बाद होली सेलिब्रेशन का टाइम आ ही गया है, तो हम लोगों ने होली के लिए गुलाल से, तो ये देखिए मेरी सबसे छोटी वाली जो ननद है और ये है मेरी मौसी सास की बेटी, तो इन्होंने लगाया है मुझे गुलाल, हमने इनको और गले मिल रहे हैं। और फिर चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ पूरी फैमिली को कैसे गुलाल लगाते हैं हम लोग। तो चलिए सब लोग आराम से बैठ के मोबाइल पे एक प्रोग्राम आता है वो देख रहे हैं, और हम लोग अचानक से पहुँच गए इनको सबको कलर लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं अपने सबसे पहले मेरे मम्मी को लगाऊंगी, फिर दीदी को लगाऊंगी, फिर मैं अपनी चाची सासू माँ बगल में बैठी हुई हैं वो उनको लगाऊंगी। यहाँ मेरी बेटी आद्या भी लगा रही है, अपने आप को ही लगाए ले रही है वो तो। और ये देखिए मम्मी ने लगाया, और बस उन सबको कलर लगाने के बाद उनसे आशीर्वाद लेंगे, पैर छुएंगे। गुड इवनिंग गाइस, शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे रख दी है दाल, अरहर की दाल, और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, शाम की चाय, तो लगा लेती हूँ चाय सबके लिए और अपने लिए भी। तो दाल मैंने अरहर की रखी है गैस पे, क्योंकि आज बनेगा चूल्हे पे खाना, और अरहर की दाल तड़के वाली मस्त सी बनेगी, और बनेगा बैंगन का भरता, और बनेगी चूल्हे के गक्कड़, और बनेगा चूरमा जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको सब कुछ दिखाऊंगी, पहले चाय पी लेती हूँ फिर दिखाती हूँ एक एक करके। तो गाइस चलिए दाल को फ्राई करने की तैयारी होने लगी है, और यहाँ दाल फ्राई हो रही है, और दीदी दाल को फ्राई दे कर रही है, तड़का दे रही है, क्योंकि ये बोली कि मुझे ही फ्राई करना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब दीदी फ्राई करती है। तो यहाँ पे डाला है प्याज, प्याज भुन गया है, उसके बाद डाली है 2 खड़ी लाल मिर्ची, और उसके बाद इसको फ्राई करने के बाद डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, जीरा के बाद थोड़ा सी हींग, और उसके बाद उसमें डाल दिया है टमाटर, और जब तक टमाटर पकते हैं तब तक दीदी ने कट कर लिए धनिया मिर्ची अदरक ये सब कुछ। यहाँ टमाटर भी गल गए हैं, और बस इसमें अब डाल देंगे दाल, और दाल डालने के बाद बस इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, और ये हमारी दाल फ्राई तड़का मस्त सी तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगी थी जब हम लोगों ने बैठ के खाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ लगाना शुरू कर दिया है आटा, क्योंकि आटा थोड़ा लगना नहीं है, आटा लगेगा बहुत सारा। मेरी है ज्वाइंट फैमिली में है बहुत सारे लोग, और कुछ लोग बाहर से भी आने वाले हैं, इसलिए आटा गूंथेंगे हम बहुत सादा। तो यहाँ पे मैं आटा को पहले छान लेती हूँ, छान लेने के बाद मैं आटा को लेके जाऊंगी छत पर, छत पे बनेगा चूल्हे पर खाना, तो वहीं पे हम आटा को बैठ के गूंथेंगे, और मम्मी बनाएंगी चूल्हे पे गक्कड़ मोटे मोटे से। और इस आटे में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रवा सूजी, और उसमें डालूंगी थोड़ा सा बेसन, और उसमें डाला है मैंने नमक, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसका लगाएंगे एक टाइट सा डो, इसका डो एकदम सॉफ्ट नहीं लगाना है, लगाना है एकदम से टाइट सा डो, ताकि जो हमारी बने रोटियाँ चूल्हे पे बहुत ही अच्छी बने। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका को गूंथना है टाइट डो, और जैसे ये देखिए हमारा जो डो है बनके तैयार हो गया है,
और थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत तो लगती ही है, कुछ भी काम करेंगे तो मेहनत तो लगती है। तो ये देखिए काफ़ी ताकत लगाने के बाद हमने ये डो बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ मम्मी ने चूल्हे पे रखे हैं बैगन भुनने के लिए। आप बैगन गैस पे भूनेंगे उसका टेस्ट अलग होगा, और जब चूल्हे पे भूनेंगे उसका टेस्ट तो बिंदास होगा। तो यहाँ ये बैगन छील के मम्मी ने मुझको दे दिए है। ये तवा है जिस चूल्हे पे रख के जो बनाया जाता है रोटी वो, और मैं छील छील कर इसको एक प्लेट में रख रही हूँ साफ करके। बैगन को पैन का भरता बनेगा टेस्टी सा। तो ये देखिए बैगन मैंने छील लिए हैं और अब बनेगा इनका भरता। तो भरता बनाने के बाद इसको करना है फ्राई, तड़का देना है मस्त। तो उसका सारा सामान दीदी ने कट चॉप करके रख लिया है। ये सारा सामान चॉप हो गया है। दीदी जाएंगे नीचे गैस पे आराम से भरता को चॉप कर सॉरी फ्राई करके लाएंगी, बिंदास सा और टेस्टी लगता है। और ये देखिए सारा सामान फैला है। सॉरी गाइस के लिए माफ़ करना अगर आपको ये सब मैस मैस सा लग रहा है, क्योंकि बन रहा है चूल्हे पे खाना तो ऐसा होता ही है। और यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चूरमा। तो मम्मी ने जो गक्कड़ मोटे मोटे बनाए हैं चूल्हे पर उसको तोड़ तोड़ कर रोटियों को वो चूरमा बना रहे हैं। तो चूरमे में क्या होता है कि रोटियाँ जो होती हैं उनको मोटे मोटे से गक्कड़ को चूरा बना लिया जाता है। फिर उसमें डाला है शक्कर, पिसी हुई शक्कर, देसी घी, और इसमें डाली है मिश्री, काजू, बादाम, मावा, तो बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, किशमिश, आप बहुत सारा चीज़ें वो भी सामान हो वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना सारा पड़ा है। और इसमें लगता है देसी घी, वो भी जम के डालते हैं इसमें देसी घी। और जब ये गक्कड़ की रोटियाँ मोटी मोटी बन के आती हैं और जम के इसमें घी लगाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझको। और इस पलात में मैंने जो आटा गूंथा था वो हटा दिया गया है, इसमें आराम से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए मम्मी अब बस बढ़िया बढ़िया सी मोटी मोटी सी करारी करारी सी गक्कड़ बना रही हैं। और यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ, सबको लगा रही हूँ, बैठा दिया है बच्चों को बड़ों को, और बस एक एक रोटी सबको सेक सेक कर खिला रही हूँ मैं। यहाँ सारे बच्चे और हमारे जेठ जी मिलके खा रहे हैं खाना सभी लोग। और ये देखिए मस्त बिंदास भरता है वो तड़का देकर दीदी लेके आई है फ्राई करके, और बस बच्चों को बड़ों को सबको लगाया जा रहा है। तो बस ऐसे ही हम लोग करते हैं, अपनी फैमिली में मिलकर त्यौहार मनाते हैं, खाना खाते हैं। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कौन कौन घर पे चूल्हे की रोटी खाना पसंद करता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझको जरूर बताना। बाय बाय, हैप्पी होली।